रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं एनिस व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली अभी पिछले दिनों जो स्टे किया है मैंने होटल में, तो मैंने स्ट्रेटनिंग भी की हेयर्स की और ब्लो ड्राई भी किया, जिसके से मेरे बालों में बहुत ड्राइनेस हो गई थी। तो मैं ये हेयर मास्क टाइप चीज़ या हेयर ट्रीटमेंट कह लें अपने लिए रेडी कर रही हूँ, सो आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। सबसे पहले मैंने ले लिया है योगर्ट, ये खुला जो डेयरी की दुकानों में मिलता है वो ले लिया है मैंने। उसके बाद मैंने ले लिया है ये ऑलिव ऑयल, ठीक है। आप ऑयल की चेंजिंग्स कर सकते हैं। एंड इस योगर्ट में मज़ीद ऐड करूँगी ये हमानी का है कैस्टर ऑयल। ठीक है, क्लोज करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमानी कंपनी का है, मिल जाएगा इजीली आप लोगों को कैस्टर ऑयल, ठीक है। थोड़ा सा ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, बहुत अच्छा होता है हेयर्स के लिए। कुछ इस किस्म की बॉटल होगी इसके अंदर से छोटी सी, ठीक है, हमानी का जो है ना, हिमानी है मेरे ख्याल से, हिमानी है ये। थोड़ा सा ये मैंने जो है ना योगर्ट में थोड़ा सा ये ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि मेरे बाल बहुत ड्राई और रफ़ एंड टफ़ हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि कुछ ट्रीटमेंट जो है ना वो बनाया जाए। तो कैस्टर ऑयल मैंने इसमें डाला है, इसके बाद ऑलिव ऑयल जाएगा इसमें, तो मेरा ज़बरदस्त सा जो है ना हेयर मास्क रेडी हो जाएगा। इसके बाद इसको जो है मिक्स कर लेंगे हम, और मैं तो इसको कम से कम एक घंटा अप्लाई करके छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। और जो आपकी मर्ज़ी, आप 30 मिनट्स लगा लें, लेकिन एक घंटा या 40 मिनट लगाने से ना ज़रा अच्छे रिजल्ट्स हो जाएंगे। क्योंकि मेरा तो ये तरीका है, मैं फिर सर में अप्लाई कर लेती हूँ स्किन हेयर ट्रीटमेंट, उसके बाद फिर मैं एक घंटे कोई भी घर का इम्पॉर्टेंट काम कर लेती हूँ। इस तरीके से मेरा टाइम ज़ाया नहीं होता, मेरा घर का काम भी हो जाता है, और वो जो एक घंटा या 1 आवर पूरा हो जाता है जो मेरे हेयर ट्रीटमेंट का होता है, फिर घर का काम ख़त्म करके ट्रीटमेंट का एक घंटा पूरा हो जाता है, मैं शावर ले लेती हूँ, तो मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। क्योंकि आपस इतना टाइम नहीं होता कि आप हेयर ट्रीटमेंट के लिए अलग से सर पर लगा के हम बैठ जाएँ। घरेलू ख़वातीन को जो होती है ना, हाउस वाइफ हैज़ अ लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, ये भी करना है वो भी करना है, तो हम कहते हैं कि एक पन दो का जो हो जाए सर में कुछ भी। मैं अच्छा स्किन केयर में भी वैसे करती हूँ मैं। ये देखें, ये तीनों चीज़ें जो है मैंने मिक्स कर ली हैं अच्छे से। अब इस हेयर मास्क को जो है मैं, क्योंकि ईद भी नज़दीक है तो बाल ज़रा आपके अच्छे लगें तो बेहतर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसमें ऑयल्स की कोई चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कैस्टर ऑयल ही लें, आपको कैस्टर ऑयल नहीं मिले ना तो आप सरसों का तेल ले लें, खोपरे का तेल ले लें, कोई सा भी तेल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, ये ले लें और सरसों का तेल ले लें, या कोई एक खोपरे का तेल ले लें। ज़रूरी शर्त नहीं है कि कैस्टर ऑयल ही लगाएं, जो भी आपको मिल जाए अवेलेबल हो आप ले लें, और इसको मिक्स करके जो है वो सर पे जो है ना, क्योंकि सब चीज़ें जो है नेचुरल हैं, हेयर के लिए बेहतर हैं, ठीक है। एक घंटा अप्लाई करने के बाद इस मास्क को, और फिर जो है आप सर वॉश कर लेंगे। कि मैं ख़ुद अप्लाई करने लगी हूँ अभी, इसलिए मैं वही कर रही, आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ जो मैं अपनी डेली बेसिस पे ज़िंदगी में कर रही होती हूँ। ओके, दिस इज एनी साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।